जब मैं पतली थी। पायल तू कितनी पतली है यार, अब एक फूंक मारूंगा ना ऐसे उड़ जाएगी। हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती। कितनी पतली है यार, कितनी पतली है, एकदम सूखी लकड़ी जैसी लगती है। कितनी पतली है यार, मोटी हो जा मोटी। ड्रेस भी पहनती है तो ऐसा लगता है हैंगर में कपड़े टंगे हो। कितनी हवा चल रही है यार, पायल को खोल करके बोलते कहीं उड़ मत जाना। जब मैं मोटी हो गई। अरे इतनी जल्दी कैसे मोटी हो गई, इतनी जल्दी कैसे मोटी हो गई यार। जरूर सर्जरी कराई होगी, जरूर कैप्सूल लिए होंगे, जरूर इंजेक्शन लिए होंगे, अरे पाउडर लिया होगा। मैंने सुना मोटे होने के पूरे 1,00,000 रुपए दिए हैं। मुझे भी मोटा होना है। पतली अच्छी लगती थी, मोटी क्यों हुई? पतली ज्यादा क्यूट लगती थी। अरे कितनी मोटी हो गई? हाँ हाँ हो गई हूँ मैं मोटी। किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? हाँ मुझे तकलीफ है। हाँ मुझे तकलीफ है। हाँ हाँ मुझे भी तकलीफ है। हाँ हाँ मुझे भी तकलीफ है। हाँ मुझे भी तकलीफ है। इतनी जल्दी मोटी कैसे हो गई मेरे को जानना है। ऐसा क्या किया जो मोटी हो गई? ठीक है तुम्हें जानना है ना कि कैसे हुई मोटी, अभी बताती हूँ। मैंने चांद से मंगवाई है एक जड़ी बूटी जो कि 1 करोड़ की 1 ग्राम आती है। अगर तुम्हें भी मंगवानी है तो बता दो, मंगवा दूंगी। अरे कहाँ गए सब? गाइस मैंने मोटे होने के लिए इंजेक्शन लिए हैं, और वो भी एक नहीं बहुत सारे इंजेक्शन। आओ बताती हूँ। देखो डरो मत यार, अब मोटा होना है तो इंजेक्शन तो लेने पड़ेंगे। आजकल सब इंजेक्शन से ही मोटे होते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े कोटी बंगले वाले लोग भी इंजेक्शन से ही मोटे हुए हैं, और मैं भी। चलो मैं ये बताती हूँ कि कौन सा इंजेक्शन लेना है। सबसे पहले लेना है जिम वाला इंजेक्शन। मंडे को लगाना है बाइसेप्स। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जिम जाने से पतले होते हैं, लेकिन नहीं भाई, जिम जाने से फिट होते हैं। फिट फिर चाहे आप गेनर ले रहे हो या प्रोटीन, जिम जाना बहुत ही जरूरी है। फिर ट्यूजडे को लगाना है शोल्डर। कुछ जिम ट्रेनर ये वीडियो देखकर सोच रहे हैं कि फालतू का ज्ञान दे रही है, लेकिन भाई मैं ज्ञान नहीं, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूं। और वेनसडे को लगाना है चेस्ट। बहुत सारी लड़कियां मुझे बोलती है कि हमारे घर वाले हमें जिम जाने के लिए अलाउ नहीं करते, तो आप जिम वाला वर्कआउट घर पे भी कर सकते हो। यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जिसे आप देखकर घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। फिर थर्सडे को लगाना है बैक। अगर आपको सच में आपका वेट गेन करना है तो आलस को त्याग देना, क्योंकि जिम में वर्कआउट करना एक बहुत ही मेहनत का काम है, और अगर आप इसमें आलस दिखाओगे तो फिर वेट नहीं बढ़ेगा। फिर मत बोलना कि गलत एडवाइस दे रही है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 10 दिन में जिम करके मैं बॉडी बना लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम 6 महीने आपको लगेंगे बॉडी बनाने में। फिर फ्राइडे को लगाना है ट्राइसेप्स। अगर आपकी वर्कआउट करने की कैपेसिटी ज्यादा है तो आप एक दिन में 2 मसल्स भी लगा सकते हैं। फिर सैटरडे को लगाना है लेग्स, जिसमें सबकी हालत टाइट हो जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्कआउट है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा पेट निकला हुआ है, तो गाइस मेरा पेट कुछ गलतियों की वजह से निकला है कि मैं डाइट लेकर तुरंत सो जाती थी, और वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। और पेट कम करने के लिए आपको करना है कार्डियो, और एब्स भी लगाने पड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ कि वर्कआउट करते टाइम पानी जरूर पीना है, ज्यादा पानी भी नहीं पीना है वरना उल्टी भी हो सकती है। तो ये जो जिम वाला इंजेक्शन है ये जरूर लगाना है। तो ये था मेरा जिम वाला इंजेक्शन, और संडे को आराम से मस्त घर पर सोना। मैं तो चली सोने। दूसरा इंजेक्शन है डाइट वाला इंजेक्शन। ये मेन इंजेक्शन है, अगर आपने इसको स्किप करा तो फिर वेट नहीं बढ़ेगा। फिर मत बोलना कि गलत एडवाइस दे रही है। देखो आपको डाइट में पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, पानी पूरी, वड़ा पाव ये सब नहीं खाना है। खा सकते हो पर कभी कभी, वरना डॉक्टर का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। देखो मैं आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की डाइट बताती हूँ। आपको डाइट में जिम से पहले 2 बनाना खाने। अगर आपकी डाइट कम है तो आप एक भी खा सकते हो। जिम से आने के बाद आपको खाना है ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर, वो भी मेरे तरीके से। ब्राउन ब्रेड पर पीनट बटर लगाने के बाद आपको लगाना है न्यूटेला, जो कि मेरा फेवरेट है। ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर के साथ आपको लेना है काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता। तो आपको जो जिम से आने के बाद डाइट लेनी है वो हो चुकी है रेडी। आप चाहो तो इसमें बहुत सारी चॉकलेट भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको बनाना है बनाना शेक।
बनाना शेक बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए मिक्सर। ए चल, इतना तो हमको भी पता है, आगे बता। ठीक है ठीक है ठीक है, बनाना लाओ लाओ। और बनाना शेक आपको जिम से आने के बाद ही नहीं बल्कि दिन में 3 बार पीना है, क्योंकि एक बनाना में ही बहुत सारी कैलोरीज होती है। और कोशिश करना कि शक्कर की जगह शहद डालो। बनाना शेक को और हैवी बनाने के लिए आपको डालना है न्यूटेला और हैवी बनाने के लिए डालना है 1 चम्मच पीनट बटर। तो ये आपका बनाना शेक हो चुका है रेडी। इसको आपको पीना है, चाहे रुक रुक के पीना है लेकिन पूरा पीना है। और मेरी गारंटी है कि आपको इसको पीने के बाद 1 घंटे तक भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और बनाना शेक पचने के बाद आपको खाना है खाना जो कि आपके घर पर बना है, रोटी सब्जी दाल चावल आलू के पराठे, आप कुछ भी खा सकते हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको खाना खाने के बाद छाछ जरूर पीना है। मैं तो छाछ के बगैर खाना ही नहीं खाती। देखो ये सब चीजें स्किप करी तो वेट नहीं बढ़ेगा, फिर मत बोलना कि गलत एडवाइस दे रही है। खाना खाने के बाद आपको पीना है ये वाली दवाई जिसका नाम है झंडू पंचारिष्ट। ये दवाई आपकी मदद करेगी खाना पचाने में, क्योंकि आप वेट गेन करने के लिए बहुत सारी चीजें खाओगे और जितना खाओगे उतना आपको पचाना पड़ेगा, क्योंकि जितना खाओगे उतना ही पचाओगे। और एक गलती बिल्कुल मत करना, खाना खाने के बाद तुरंत बिल्कुल नहीं सोना है आपको। वो गलती मैं कर चुकी हूँ और मेरा पेट निकल चुका है। उसके बाद आपको खाना है 100 ग्राम पनीर, चाहे तो आप कच्चा खा सकते हो या फिर फ्राई करके खा सकते हो। शाम को आपको पीना है जूस, चाहे तो आप ऑरेंज जूस पी सकते हो, चुकंदर का जूस पी सकते हो, मौसम्बी का जूस पी सकते हो, अनार का जूस पी सकते हो। डिनर में आपको खाना है राजमा और चावल, सॉरी चावल और राजमा। और सोने से पहले आपको पीना है दूध, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाइट में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, आपको ऐसा कुछ नहीं खाना है जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका वेट वापस कम हो जाएगा और फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इतनी मेहनत करने का। फिर ऐसा मत बोलना कि गलत एडवाइस दे रही है। मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई है वो तो आपको खानी ही खानी है, लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा खाना खाना है। आपको वो खाना खाना है जिसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है। और आप वो गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो कि हाईएस्ट कैलोरी किसमें होती है, वो आपको खाना खाना है। और कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें जिनका आपको ख्याल रखना है। खाना खाने के बाद तुरंत सोना बिल्कुल भी नहीं है, इससे आपका पेट निकल जाएगा और आप बीमार भी हो सकते हो। तो आप डाइट लेने के बाद या फिर जिम से आने के बाद, डाइट लेने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आप सो सकते हो मस्त आराम से। 1 घंटे का रेस्ट दो बॉडी को, बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा आपको। और आप अगर स्मोक और ड्रिंक करते हो तो आप बिल्कुल छोड़ दो उसको, क्योंकि ये आपका वेट बढ़ाने में बिल्कुल मदद नहीं करता है, आपका वेट और डिक्रीज कर देगा। तो अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो महीने में 1 या 2 बार कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हर टाइम डाइट अवेलेबल नहीं रहती, हम काम करते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं रह पाता है, तो थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आप डाइट नहीं ले सकते, आपके घर पे नहीं हो, या फिर ऐसी सिचुएशन में आप अटके हुए हो कि आसपास कुछ भी नहीं है, मतलब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप नॉर्मल किराने की शॉप तो कहीं भी होती है, आप एक दूध का पैकेट खरीद के पी सकते हो, केले खरीद के खा सकते हो और छाछ पी सकते हो। इनफैक्ट आप अगर कुछ भी ना मिले तो आप चिप्स, लेस की जो चिप्स होती है वो चिप्स भी खा सकते हो। इट्स बैड फैट पर गुड फैट भी बोल सकते हैं। बस आपको वेट बढ़ाने के लिए खाना है खाना है और खाना है, और बहुत सारा खाना है और कैलोरीज और प्रोटीन से भरा हुआ खाना है जिससे आपका वेट बढ़ जाएगा। बस आपको किसी भी सिचुएशन में भूखे नहीं रहना है, अगर आप भूखे रहे तो आपका वेट गिर जाएगा। तो आप इतना सारा खाओगे तो आप ऐसी जगह पर मत चले जाना जहाँ पर वॉशरूम ना हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, तो प्लीज़ ऐसी जगह पर मत जाना जहाँ पर वॉशरूम नहीं होता है, क्योंकि आप जितना खाओगे उतना जाओगे तो वॉशरूम होना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद आपको लगाना है हैप्पीनेस वाला इंजेक्शन, और हैप्पीनेस आपको आपके दोस्तों के साथ चिल करके ही मिलता है। आप डाइट और जिम तो प्रॉपर कर लोगे, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आपको हैप्पीनेस वाला इंजेक्शन लगाना बहुत ही जरूरी है। अपने आप को खुश रखना है, हैप्पी रखना है, क्योंकि आप जितना ही खुश रहोगे उतना ही खिलोगे, उतना ही ग्लो करोगे। उसके बाद आपको लगाना है मोटिवेशन का इंजेक्शन, जो कि लोगों के ताने सुन सुन कर मिलता है कि कितनी पतली है, कितनी पतली है, जो कि बहुत ज़रूरी है वेट गेन करने के लिए। इस सफ़र में मैंने एक बात सीखी है कि आप कुछ भी करो लोग तो बोलेंगे ही, इसलिए आपको लोगों की बात नहीं सुनना है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना है। बस आपको खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो लोग आपसे प्यार करेंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, और जो जलेंगे वही तो आपकी हर जगह बातें करेंगे।